इस बीच एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्हें ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का हवाला दिया और वहां से फैसला होने के बाद ईडी के सामने पेश होने की दलील दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी हुई, और उन्होंने ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था और लेकिन उन्होंने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का हवाला दिया और ना पेश होने की बात कही है। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से अनिल देशमुख को ईडी ने आज समन दिया था और बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन अनिल देशमुख को पता है कि अगर ईडी के समन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर गए तो हो सकता है कि कई दूसरे मामलों की तरह जिस तरीके से पूछताछ में सही तरीके से बातचीत सामने न आने के बाद ईडी हिरासत में ले सकती है, ये डर है। और शायद यही वजह है कि अनिल देशमुख कल आनन फानन में दिल्ली गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और आज उन्होंने सुबह सुबह ईडी को अपना जवाब भेजते हुए कहा है कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कुछ न कुछ कुछ दिनों में निकलने वाला है और ऐसे में कुछ दिनों तक उन्हें इस मामले में वेट करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो जब ईडी के सामने पेश हो तो पूरे पुख्ता सबूतों के साथ पेश हो, और इसलिए वो आज ईडी के सामने नहीं पेश हो सकते हैं। शुक्रिया अभिषेक। इसी बीच एक बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई आ रही है।